पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है। अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 फिल्म ने रिलीज से पहले 1050 करोड़ का कलेक्शन कर लिया। अभी पुष्पा 2 को रिलीज होने में एक महीने से ज्यादा का समय है और ये फिल्म अभी से रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है। मतलब पुष्पा भाऊ इस बार बॉलीवुड और साउथ को झुकाने वाले हैं। इतना तो कंफर्म है कि इस फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन 250 करोड़ से कम नहीं होगा। अगर इस फिल्म का ट्रेलर धमाकेदार निकलता है तो ये फिल्म अपने पहले दिन 300 करोड़ की ओपनिंग भी ले सकती है। पुष्पा 2 में एक आइटम सॉन्ग भी देखने को मिलने वाला है, लेकिन इस बार इस सॉन्ग में सामंता की जगह बॉलीवुड की एक्ट्रेस नजर आने वाले हैं और पुष्पा 2 में और भी नए एक्टर को मिलने वाले हैं और इस फिल्म का बजट भी बहुत ज्यादा है। पुष्पा 2 का ट्रेलर कब आएगा और इस फिल्म का नया रिलीज डेट क्या है और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लगभग कितना कलेक्शन कर सकती है, तो आज हम सारी बातें डिटेल से जानने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी मजेदार वीडियो आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं पुष्पा फिल्म के ट्रेलर और रिलीज डेट की। तो दोस्तों पुष्पा 2 फिल्म का ट्रेलर 15 नवंबर को रिलीज किया जाएगा। पहले ये फिल्म 6 दिसंबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब एक दिन पहले यानी 5 दिसंबर को ये फिल्म पैन इंडिया रिलीज की जाएगी। जी हाँ, इस फिल्म का रिलीज डेट खुद अल्लू अर्जुन ने कन्फर्म किया है और अल्लू अर्जुन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्टर भी शेयर किया था। और दोस्तों इस फिल्म का बजट लगभग 500 करोड़ है और ये फिल्म रिलीज से पहले ही 1050 करोड़ यानी अपने बजट से 2 गुना कमा चुकी है। जी हाँ, अगर इस फिल्म का प्री रिलीज बिजनेस देखें तो इस फिल्म ने रिलीज से पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से 220 करोड़ की कमाई कर ली है और नॉर्थ इंडिया से यानी हिंदी से ये फिल्म 230 करोड़ रुपए कमा चुकी है और तमिलनाडु में 50 करोड़, कर्नाटक से 30 करोड़, केरल से 25 करोड़ और विदेशों से लगभग 140 करोड़ की कमाई कर ली है। इसके अलावा इस फिल्म का म्यूजिक राइट्स 65 करोड़ और सैटेलाइट राइट्स 85 करोड़ में बेचे गए हैं और इस फिल्म का थिएटरिकल राइट्स 425 करोड़ में बिके हैं। अगर बात करें इस फिल्म का ओटीटी राइट्स, दोस्तों इस फिल्म को नेटफ्लिक्स ने 275 करोड़ रुपए में खरीदा है। मतलब रिलीज से पहले इस फिल्म का इतना क्रेज है, तो जरा सोचो जब ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी तो क्या होगा। इतना तो कंफर्म है कि इस फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन 1400 से 1500 करोड़ के बीच में रहेगा और ये फिल्म सिर्फ हिंदी में ही 600 से 800 करोड़ के बीच में कलेक्शन करने वाली है, क्योंकि इस फिल्म के पहले पार्ट यानी पुष्पा ने बिना किसी प्रमोशन के 100 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की थी। लेकिन अब पुष्पा 2 का प्रमोशन बड़े लेवल पे किया जा रहा है, मतलब इस साल 2024 स्टाइलिश स्टार के नाम होने वाला है। अगर बात करें पुष्पा 2 के स्टार कास्ट की, तो दोस्तों पुष्पा 2 में अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना, फहद फासिल, राव रमेश, सुनील के अलावा इस फिल्म में जगपति बाबू, साई पल्लवी और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर डेविड वार्नर भी नजर आने वाले हैं। लेकिन इस बार इस फिल्म के आइटम सॉन्ग में सामंता की जगह बॉलीवुड अभिनेत्री श्रद्धा कपूर नजर आने वाले हैं। जी हाँ, कहा जा रहा है कि श्रद्धा कपूर को स्त्री 2 की सफलता के बाद ही साइन किया गया था। तो दोस्तों आपके हिसाब से पुष्पा 2 फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन कितना होगा, हमें कॉमेंट में जरूर बताइए।